हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना है आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें। और गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है कपड़े धोने के साथ। तो ढेर सारे कपड़े लेकर बैठ गए थे सुबह सुबह धोने के लिए, और कल हमने इकट्ठा कर लिए थे कल रात को ही कि हमको सुबह इतने सारे कपड़े धुलने हैं, क्योंकि मौसम का कोई भी भरोसा नहीं। कभी बारिश हो जाती है तो कभी धूप निकल आती है, तो आज हमने सारे कपड़े धुल लिए हैं। और सारे काम करने के बाद हम आ गए हैं छत पर, बनाने जा रहे हैं खाना। तो हमारी बिटिया रानी हमारी तैयारी करवाने लगी हैं, यानी जो है ईंधन इकट्ठा करने लगी हैं। तो कंडे उठाकर ला रही हैं, उठा उठा के, और कह रहे हैं कि हम रखेंगे। और ये देखिए हमारी बिटिया रानी कैसे जुटी पड़ी हैं काम करने में। जैसा हम बड़ों को काम करते देखती हैं वैसा ही बिल्कुल करती हैं। तो यहाँ पर अभी हम अंदर काम कर रहे हैं तो वो बाहर सारी जो ईंधन है इकट्ठा कर दे रही हैं, लकड़ी उठा के ला रही हैं। ये देखिए कैसे बोझ सिर पर रखा है। और इनको बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, बार बार ऊपर नीचे करती रहती हैं। तो ये देखिए इकट्ठा हो गया है ईंधन हमारा, अब हम जलाएंगे चूल्हा। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और चूल्हा जलाते हैं। और आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की पकौड़ा कढ़ी। तो उसके लिए बेसन को छान लेते हैं छन्नी से, उसके बाद इसका पेस्ट जो है तैयार करेंगे। और हमारी एक दोस्त ने फरमाइश की थी कि दीदी आप कढ़ी बनाकर दिखाइए, तो उसी के लिए हमने बेसन ले लिया है, उसमें मिला दिया है थोड़ा सा नमक और उसमें थोड़ी सी हींग, और इस पेस्ट में पानी डालकर इस पेस्ट को थोड़ा थोड़ा मिलाते रहेंगे और हाथ से चलाते रहेंगे। तो बेसन में हमने पानी डाल दिया है, अब इसको अच्छे से फेटेंगे। और इसको जितना फेटेंगे हमारी जो पकौड़ी है उतनी ही अच्छी फूलेंगी। तो हम इनको फेटते हैं। और बेसन को कम से कम 5 मिनट अच्छे से फेंटना है, क्योंकि हम जितना फेंटेंगे हमारी पकौड़ी उतनी ही फूलेंगी अच्छे से। तो दोस्तों 5 मिनट तक हो गए हमको बेसन को फेंटते फेंटते, अब तो अच्छा पेस्ट बन चुका है। तो एक बार देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों पानी में डाल के देख रहे हैं, अगर ऊपर आ जाएगा पेस्ट तो हमारी जो है पकौड़ी बनने के लिए तैयार है। देखिए ऊपर आ गया है, तो बनाते हैं अब पकौड़ी इसकी। तो पेस्ट हमारा बनकर अच्छे से तैयार हो गया है, और हमने कढ़ाई में डाल दिया है तेल। तेल जब हमारा गर्म हो गया है तो उसमें डाल रहे हैं पकौड़ी, बना बना कर डालते जाएंगे। और ये देखिए हमारी पकौड़ी कितनी अच्छे से फूल रही हैं, बिल्कुल गुब्बारे जैसी फूल रही हैं पकौड़ी हमारी। तो यहाँ पर पकौड़ी बना लेते हैं। और पकौड़ी को चारों तरफ से अच्छे से पकाएंगे ताकि हमारी पकौड़ी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर हमारी पकौड़ी बनकर हो गई है तैयार, तो इनको निकाल लेते हैं। और इसी तरह सारे पेस्ट की पकौड़ी को तैयार कर लेते हैं। और यहाँ बिटिया रानी अपना खाना बना रही हैं, हम उधर बना रहे हैं और ये इधर जुटी पड़ी हैं। और ये जो है पीतल की हमारी पतीली है, उसी में खाना बना रही हैं। तो पकौड़ियाँ हमारी बन गई थी, तो यहाँ पर बेसन का हमने पेस्ट बनाया है पतला सा। जैसे आपको कढ़ी अच्छी लगती हो वैसा ही पेस्ट बनाएं। अगर आपको पतली कढ़ी बनानी है तो पानी और मिलाएंगे। तो यहाँ हमने ले लिया है दही, दही को अच्छे से फेंट लिया था और इसी बेसन के पानी में मिला दिया है। और उसके बाद कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और तेल जब हमारा गर्म हो गया था तो उसमें डाल दिया है जीरा, हींग और जो हरी मिर्च होती है 2 हरी मिर्च हमने डाल दी है। और उसके बाद डाल दिया है पेस्ट जो हमने दही और बेसन का बनाया था। और इसको चलाते ही रहना है, बंद नहीं करना है, क्योंकि साथ में दही डाल दिया है तो फटने का डर रहता है। तो चलाते रहेंगे तो हमारा जो है पेस्ट फटेगा नहीं और हमारा पेस्ट अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा।
तो बेसन में एक उबाल आ चुकी है, अब इसमें डाल देंगे जो हमने पकौड़ी बना के रखी थी और उसके बाद इसको चलाते रहना है, बीच बीच में चलाते रहें लगातार। अब ना चलाएं तो कोई बात नहीं क्योंकि अब जो है दही फटेगा नहीं। और ऊपर से डाल रहे हैं नमक, और नमक उबाल आने के बाद ही डालें, इससे जो है हमारा जो दही होता है वो फटता नहीं है। यहाँ पर बिटिया रानी आ गई है हमारी हेल्प करने के लिए, क्योंकि जो हम डिब्बे ले जाते हैं बाहर तो वो सारे डिब्बे कह रही मम्मी काम ख़त्म हो गया तो इनको अंदर रख दें, तो सारे डिब्बे उठा उठा के अंदर अलमारी में सिट कर रही हैं। और इनको ये सब काम करने में बड़ा ही अच्छा लगता है, बिना कहे सारे काम करती हैं। तो यहाँ पर हमारी कढ़ी है बनकर हो गई है तैयार, और इसमें लगा देते हैं तड़का। तो तड़का लगाने के लिए जो हमने लिया है सरसों का तेल, उसमें डाला है जीरा, और ये डाल रहे हैं करी पत्ता, थोड़ा सा पकाएंगे, और उसके बाद डाल दी है सूखी लाल मिर्च। और यहाँ पर थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए इसमें डाल देते हैं सूखे मिर्च। वैसे कढ़ी तीखी हमारी नहीं हुई थी, बहुत ही अच्छी बनी थी, पर थोड़ा सा कलर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारी पकोड़ा कढ़ी बनकर हो गई है तैयार। बस आप लोग आइए, आप लोगों की देरी है तो आप लोग आइए, आप लोगों की दावत है पकोड़ा कढ़ी खाने की। तो यहाँ पर हमने कढ़ी बना के रख दी है, उसके बाद हमने यहाँ पर रख दिए हैं चावल पकने के लिए। और कढ़ी बनाने का सबका अलग अलग तरीका होता है, कोई कैसे बनाता है कोई कैसे बनाता है, पर टेस्ट लगभग सबका एक जैसा ही होता है। तो यहाँ पर हम लगा ले रहे हैं आटा, क्योंकि चावल उधर बन रहा है उधर आटा लगा लेंगे और उसके बाद रोटी बना लेंगे। तो यहाँ पर तैयार हो रही है गर्मा गर्म रोटी आप लोगों के लिए, कढ़ी चावल रोटी आज का खाना है। तो आप लोग भी आइए और खाना खाइए आकर। दोस्तों खाना बनकर हो गया है तैयार, और हमने बनाई है पकौड़ा वाली कढ़ी, फुली फुली पकौड़ी थी हमारी। और हमारी एक दोस्त ने फरमाइश की थी कढ़ी बनाने के लिए कि दीदी आप कढ़ी बनाकर दिखाइए, तो आज आपकी फरमाइश कर दी है पूरी। और हमारे यहाँ ऐसे ही कढ़ी बनाई जाती है, और कढ़ी कई तरीके से बनाई जाती है, तो आप आइए और खाइए आकर। तो खाना बनकर हो गया है तैयार, और पापा को दे दिया है खाने के लिए। और उसके बाद हम लोग आए हैं खेत पर, और ये है सौंफ के पौधे। जो सौंफ हम लोग मसाले में इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे खेतों में है। और इधर बिटिया रानी हमारी ढूंढ रही है सब कुछ कि क्या क्या है। तो ये गाजर के पौधे हैं छोटे छोटे, और घूमने आए हैं तो कुछ ना कुछ देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा। तो ये चुकंदर है, छोटी छोटी चुकंदर अभी बैठी हुई है, ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, और इसे हम लोग सलाद में खाते हैं। तो आपको चुकंदर भी हमारे खेत में मिल जाएगी खाने के लिए। तो यहाँ पर ये ला रहे हैं पास, गोबर की जो पास होती है हम लोगों के यहाँ खेतों में डाली जाती है, और गोबर को इकट्ठा करके ये जो है खाद बनाई जाती है, इसको देसी खाद भी कह सकते हैं। तो ये डाली जाएगी, हम लोगों के यहाँ तो पास ही कहा जाता है। तो ये पौधों के किनारे किनारे डाली जाएगी, जिससे जो है पौधे मजबूत हों। और ये देखिए यहाँ पर हो रही है गाजर की खुदाई, ये जुट गए हैं गाजर खोदने में। गाजर तो अच्छी बैठी है, बस थोड़ा सा पतली है, ज़्यादा मोटी नहीं हुई है, लेकिन खाने के लिए तो बहुत ही है। और ये देखिए ताज़ी ताज़ी गाजर निकल रही है खेतों से, तो आप लोग भी आइए और खेतों में गाजर का मज़ा लीजिए आकर। तो यहाँ पर जो पत्ती है वो निकाल लेंगे अलग, तो गाजर हमारी इकट्ठा कर लेंगे। और ये छोटे छोटे से दाने होते हैं, ये खाए तो जाते हैं, जो पके होते हैं वो खाए जाते हैं, तो हमारी बिटिया रानी को ये दाने ही पसंद आ रहे हैं। बाकी गाजर है चुकंदर है तो वो नहीं कर रही हैं। और यहाँ हम जो छोटी सी खुरपी होती है उससे जुट गए, सोच रहे थे निकाल लेंगे, और ये कर रहे हैं किनारे किनारे फावड़े से खुदाई करेंगे। जो पौधे होते हैं उनके ऊपर हल्की हल्की सी मिट्टी डालेंगे और एक लाइन सी बना देंगे पानी लगाने के लिए।
और अभी फावड़े से खुदाई कर देंगे, उसके बाद पानी लगा दिया जाएगा तो सही हो जाएगा। और ये कुछ आलू निकली हैं क्योंकि यहाँ आलू भी बोई गई थी, तो आलू तो खुदाई करके जा चुकी हैं घर, और उसी जगह अब लौकी, तरोई, खीरा यही सब कुछ बोया गया है। तो यहाँ पर जो ये खाद लाए हैं देसी वाली, तो वो डाल देंगे पौधों के किनारे किनारे। अभी पौधे छोटे छोटे ही हैं और उसके बाद पानी लगा दिया जाएगा। तो हमारी बिटिया रानी पीछे पीछे लगी हैं कि पापा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सब पूछ रही हैं ये क्या है वो क्या है। और यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं खेत में ताजे ताजे हरे हरे चने, और इसका मज़ा तो खेतों में ही आता है। दोस्तों आ चुके हैं खेत पर। ये है सौंफ का पेड़, मतलब पौधा है, और ये है सौंफ लगी है छोटी छोटी। अभी ये कच्ची है और इसको कच्ची ही तोड़ा जाता है। इसको तोड़ के घर पे धूप में, हल्की धूप में सुखाया जाएगा, नहीं तो ज़्यादा सूख जाएगा तो इसकी महक जो है उड़ जाती है। और ये अभी पका नहीं है, इसमें भी फूल लगे हैं, जब फूल इसके गिर जाएंगे तब ये पक जाएगा। तो इनको तोड़ लेते हैं और लेकर चलते हैं घर। और ये सौंफ के पौधे हैं और इनसे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, तोड़ते हुए हाथ में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, तो इनको तोड़ लिया जाता है। और इनको थोड़ा सा पकने के बाद ही तोड़ लिया जाता है, ज़्यादा पकने नहीं दिया जाता है, वरना इनकी जो सुगंध है वो उड़ जाती है। इसलिए इनको धूप में भी नहीं सुखाया जाता है, इनको घर पर लाकर सुखाया जाता है। तो इनको जो पके पके हैं उनको तोड़ लेते हैं। दोस्तों ये कलौंजी के पौधे हैं, इसमें कलौंजी लग गई है, अभी पकी नहीं है ज़्यादा। आपको तोड़ के दिखाते हैं कि कलौंजी के पौधे कैसे होते हैं। ये होते हैं छोटे छोटे पौधे होते हैं कलौंजी के, और इसमें कलौंजी जो है आ चुकी है, तो आपको हम तोड़ के दिखा रहे हैं। तो ये देखिए काले काले कलौंजी के दाने, जैसा कि हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, आज खेतों में देखने को मिल रहा है। तो ये काले काले जो है कलौंजी के दाने हैं। और आपको मेथी भी दिखाते हैं, पौधे थे ये है मेथी के, ये मेथी के पौधे हैं, इसमें मेथी लगी भी है, आपको तोड़ के दिखाते हैं। और आप लोग ये जो पौधे देख रहे हैं इनमें फलियां लगी हैं, तो इन फली के अंदर मेथी का बीज होता है। ये मेथी के दाने, और खेत पर ही कलौंजी है, मेथी है, और वो सौंफ हो गई है, तो जो मसाला की आधी चीज़ें हैं वो घर पर ही तैयार हो गई हमारे। तो ये है लहसुन, लहसुन के पौधे हैं, तो एक निकाल के आपको दिखा रहे हैं। और ये जितने हरे हरे हैं सब लहसुन के पौधे हैं। तो यहाँ पर हम इकट्ठा कर लेते हैं जितनी चीज़ें हमने खो दी हैं, तो उनको लेकर चलना है घर। तो आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा दी हैं, अब चलते हैं घर के लिए क्योंकि शाम होने वाली है। तो यहाँ पर बिटिया रानी और हम ननद जी चल रहे हैं सब लोग घर, और हमारी बिटिया रानी आ रही है अपने पापा के साथ साइकिल पर, देखिए आगे कैसे बैठी हुई हैं। और आज का वीडियो हम यहीं पर कर रहे हैं समाप्त। आशा है आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से हमारी पूरी YouTube फैमिली को प्यार भरा नमस्कार।